आपके और मेरे जैसे हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनकी स्मृति इस हेरिटेज ट्रैक के साथ जुड़ी है। कोई मेरी तरह इस ट्रैक से होकर स्कूल से घर जाया करता था, तो कोई अपने दफ्तर से घर को। लेकिन उस वक्त किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि शिमला में ऐसी बारिश की तबाही मचेगी जिससे ये रेलवे हेरिटेज ट्रैक भी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो है शिमला का अंतिम वो पॉइंट जहाँ तक ट्रेन आती है। एक बार आप तस्वीरें देखिए कि जहाँ पर ये नैरो गेज इंजन पार्क होता है, ये भी पूरी तरीके से तबाह हो गया है। शिमला विधानसभा के जो कार्ट रोड है वहाँ से भूस्खलन हुआ, और भूस्खलन इतना ज़ोरदार था, उसकी तीव्रता और प्रभाव इतना ज़्यादा था कि यहाँ पक्के लोहे के एंगल से बना ये उत्तर रेलवे का डीजल शेड और नैरो गेज जहाँ पर इंजन पार्क होते थे वो पूरी तरह तबाह हो गया है। आप देखिए यहाँ पर की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। हालांकि अब धूप ज़रूर शिमला में आज के दिन खिली है, और ये जो नई किरण है सूरज की, ये शिमला को एक नई उम्मीद भी दे रहा है। लेकिन बावजूद इसके बीते दिनों हमने देखा कि शिमला में भारी तबाही हुई, और इस तबाही ने हर किसी को डरा कर रख दिया। अब जो स्क्रीन पर आप जगह देख रही हैं यहीं पर ये इंजन पार्क हुआ करते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ना तो इंजन है और ना ही इंजन के पार्क होने की कोई जगह। यहीं पर इंजन के रिपेयर का काम या फिर उसकी जो उसे ज़रूरी सर्विसिंग देनी होती है रोज़ाना, वो यहीं पर हुआ करता था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हर जगह आपको मिट्टी और मलबा भरा हुआ नज़र आएगा। अगर हम सामने की तरफ देखें जहाँ से जो मैकेनिक थे और जो पायलट हैं इंजन के, वो इसको यहाँ से जाते थे, वहाँ पर भी मिट्टी पड़ी हुई है, और छत पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो गई है, और ये भी कई सालों पुरानी छत है। और आप देखेंगे कितने भारी भरकम लोहे के एंगल इसमें हैं, यानी कि मजबूती जो है वो इसे भरपूर दी गई थी, लेकिन मलबे की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि इससे बुरी तरह तबाही हो गई। इसके अलावा हम बात करें शिमला के फागली इलाके की, तो वो भी इसी रेलवे स्टेशन से फागली की तरफ मलबा गया, जहां पर 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा 8 लोग उस मामले में घायल भी हुए। उस घटना के कई ऐसे लोग हैं जो अभी ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। हमने देखा कि शिमला में इस तरह की तबाही हुई है जो बीते 50 सालों में कम से कम शिमला और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने तो नहीं देखी थी। हमने आपको समरील की भी तस्वीरें दिखाई जहाँ पर रेलवे हेरिटेज ट्रैक हवा में लटक गया है, और उसके नीचे का जो डंगा है, जो सुरक्षा दीवार जिसे हम कहते हैं, वो भी गायब हो गई है। इसी तरीके की तस्वीरें पूरे रेलवे हेरिटेज ट्रैक में बनी हुई हैं। और आप एक बार दूसरी तरफ यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर रोज़ाना ट्रेन आया करती थी, वहाँ पर अब जंग जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पर जंग लग गया है जिसे अंग्रेजी में हम रस्ट कहते हैं, और ये रस्ट भी पहली बार यहाँ पर देखी गई होगी, क्योंकि आज से पहले ना तो यहाँ पर कभी ट्रेनों की आवाजाही बंद हुई है, और अगर बंद हुई भी तो वो कभी कभार 1 से 2 दिन के लिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जुलाई के महीने से यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही बंद हो चुकी है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रेलवे हेरिटेज ट्रैक है उसमें भी जंग लग चुका है, और ये पूरी तरीके से इस समय रस्टेड हो चुकी है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो रोज़ाना यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ट्रेन अभी चल नहीं रही है। इसके अलावा एक अहम जानकारी मैं आपको ये भी देना चाहूँगा कि जो जहाँ से सुरक्षा दीवार ढही है समरील के इलाके में, वहाँ पर 15 सितंबर तक का टारगेट दिया गया है कि 15 सितंबर तक उसे बहाल कर लिया जाए। लेकिन अभी शिमला रेलवे हेरिटेज ट्रैक पर सन्नाटा पसरा हुआ है, और ये सन्नाटा अपने आप में डरा देने वाला है, क्योंकि जिस रेलवे स्टेशन में हमेशा चहलकदमी रहती थी, चहल पहल रहती थी, वो वहाँ पर इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या 15 सितंबर तक रेलवे हेरिटेज ट्रैक की बहाली हो सकेगी, क्या यहाँ पर ट्रेनें चल सकेंगी। लेकिन यहाँ पर रेलवे का तो फिलहाल यही प्रयास है कि यहाँ पर एक बार फिर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाए, क्योंकि इससे न केवल पर्यटक परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी परेशान है जो ट्रेन से ही आवाजाही करता है। लंबी बड़ी संख्या में जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर हिमाचल प्रदेश के साथ जिला शिमला में काम करते हैं, वो ट्रेनों से आवाजाही करते हैं। ये शिमला का हेरिटेज ट्रैक कालका तक जाता है, और ये एक अहम साधन है यहाँ से हरियाणा तक पहुँचने का। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लोगों की चहलकदमी गायब है। देखना होगा कि कब तक ये रेलवे हेरिटेज ट्रैक ठीक होगा। और ये धूप आई है, धूप ये बता रही है कि शिमला एक नई किरण की तरफ बढ़ रहा है, और शिमला को ये धूप एक नई उम्मीद लेकर आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।